कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद सागर जिले में विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन अपने समर्थकों के साथ अपना जनसंपर्क करती हुई सागर के हृदय स्थल तीन बत्ती गौर मूर्ति पर पहुंचकर डॉक्टर सर हरिसिंह गौर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहर का भ्रमण करती हुई भगवानगंज भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया। और निधि जैन ने बताया कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने महिला आरक्षण 50% समर्थन पर महिलाओं को टिकट देकर महिलाओं का सम्मान किया है। मैं पूर्व सीएम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। लिए पार्टी ने मौका दिया है, दोबारा मौका दिया है, किस नजरिए से देख रही हैं आप? मैं सबसे पहले तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी का और हृदय से स्वागत करती हूँ कि आरक्षण वहाँ लोकसभा में 33% पास हुआ और उन्होंने यहाँ बुंदेलखंड में 4% आरक्षण हुआ है और 4 महिलाओं को सीट दे दी विधानसभा में। इतना बड़ा और चारों महिलाएं जीत के आने वाली है, बहुत ही सकारात्मक। इस बार कितनी चुनौती रहेगी आपके जेठ जी भी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से? होता है तो वो तो चुनौतियां होती ही हैं, हर पार्टी के लिए चुनौती होती है, सामने वाली पार्टी के लिए भी और अगर थर्ड फ्रंट भी आता है, सबके लिए चुनौती का ही विषय होता है। हम अपने कार्यों से, अपने विचारों से समाज को इस बार पार्टी ने जो मौका दिया है, कितना खरे उतरेंगी आप? पूर्व में भी जनता ने आपको विश्वास दिलाया था, इस बार क्या है? आप सभी सामने देख रहे थे किस तरह मतलब एक डकैती कर दी थी शासन प्रशासन ने, जिस तरह हमारे साथ धोखा हुआ है। 2-3 दिन पहले जो राशि 12 करोड़ की राशि 1400 लोगों को बांट दी गई सामने, और मंत्री जी कह रहे हैं कि जब घर का परसैया हो तो डर काहे को, तुम तो करो वोट, हमारे सामने खड़े हैं उनको वोट दो, कैसे जो मर भी जा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह के प्रचार गलत भावना से लोगों में लोभ लालच और डर भय, इस तरह का वातावरण निर्मित करके जो उन्होंने चुनाव किया है और मतदान बूथ से हमारे जो हमारे बूथ एजेंट थे उनको बाहर निकाल के जो फर्जी मतदान किया है, उस सबका अभी प्रकरण न्यायालय में है। कितनी सीटें आएंगी सागर विधानसभा से, कितनी सीटें आएंगी अपनी? इसके बारे में